हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की भी वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है, आप सभी जानते हैं। जब पहले भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आप लोगों को सूचना लास्ट डेट से पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी थी। तो बहुत ही जो है अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा कैसे जो है अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU.AC.IN गूगल पे आपको सर्च करना है। और इसमें जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की, 12/7/2024 5 बजे तक, ठीक है। ग्रुप ए के अंतर्गत जो है प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है, जिसमें लेवल 12 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सैलरी रहेगी। सैलरी के आप मानिए काफ़ी अच्छी सैलरी जो है इसमें आपको दी जाती है, ठीक है। और फिक्स्ड सैलरी रहती है, परमानेंट वैकेंसी है। 78,800 जो है यहाँ बेसिक पे रहेगी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। ग्रुप बी की यदि हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी 47,600। ये बेसिक पे ही है, इसके साथ में काफ़ी जो है अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, सैलरी और भी बढ़कर रहती है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में 44,900 जो है इसकी बेसिक पे रहेगी, और प्राइमरी टीचर्स में वैकेंसी है 35,400 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, ठीक है। अभी सब्जेक्ट हम देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, TGT और PRT में। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है वो आपके सामने है। स्कूल टीचिंग पोस्ट में जो है PGT में जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स वैकेंसी है। अभी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में इंग्लिश सब्जेक्ट में वैकेंसी है एक, इकोनॉमिक्स में एक है, साइकोलॉजी में एक है, हिस्ट्री में एक है और दर्शन सब्जेक्ट में है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने पहले से ही बता दिया है। यहाँ पर यदि सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी सैलरी जो है आपकी रहती है और अनुभव आपका और भी जो है यहाँ पर बेहतर रहेगा। TGT में जो है आप देखें, मैथमेटिक्स में अनरिजर्व कैटेगरी में 2 वैकेंसी है और इंग्लिश सब्जेक्ट में 1 वैकेंसी जो कि OBC कैटेगरी के लिए है। उर्दू में है, संस्कृत में, सोशल स्टडीज़ में, साइंस में, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण में, ज्योतिष में, साहित्य, वेदा, दर्शन, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल में है, फिजिकल एजुकेशन में और एग्रीकल्चर में है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में 29 सब्जेक्ट आप देखें, 29 तक पोस्ट ग्रेजुएट एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 29 सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और भी जो है अच्छे तरीके से आप देखिएगा, लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्राइमरी टीचर PRT के लिए देखें, अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसी है। अब आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में मांगी गई है और साथ में BEd होना चाहिए। इसमें जो है अनुभव जरूर मांगते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो मिनिमम 35 एंड मैक्सिमम 55 ईयर तक जो है इसमें एज रहने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे, जो आपने देखे अभी, तो इसमें जो है मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ में, साथ में BEd होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इस यूनिवर्सिटी में चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, 40 ईयर जो है PGT के कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर एज रहने वाली है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए MPEd मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है। और आप देखें यहाँ पर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे 40 ईयर तक के। अभी TGT में देखें आप, सब्जेक्ट आपने जो है 3 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, ठीक है, और साथ में BEd चाहिए, CTET क्वालिफाई आपका होना चाहिए। ये आप देखें यहाँ पर जो है जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो मांगा गया है, स्टेट जो टैट है वो नहीं चलेगा। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो 35 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर, प्राइमरी टीचर्स में जो है यहाँ पर 12th 50% मार्क्स के साथ में और 2 साल का आपका जो है BLED आपने किया है। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने किया है 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन में, CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, बस इतना ही मांगा गया। इसमें एज लिमिट की यदि बात करें PRT के लिए तो 30 ईयर रहेगी। उसके बाद जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट को। ये जो पूरी PDF फाइल है ये 5 पेजेस की है। यदि आप आवेदन करेंगे तो पूरा जो है खुद से पढ़ना है,
ठीक है, खुद से ही पढ़ना है सारी चीज़ें अप्लाई करने से पहले। तो ये पूरी पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, लास्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले जो है एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसमें जो है यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई, ये आ ही रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करना है, इसके बाद दोबारा से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें देखिए न्यू में लिखा है एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान में रखना है 24/2023-24 स्कूल टीचिंग पोस्ट, ठीक है। और ये जो है 13 जून 2024 से जो है विज्ञापन डाला गया है, अप्लाई करने के लिए इसके आगे ही देखना है। तो मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, बाकी जो है कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आएं, एडवर्टीजमेंट को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही जो है अप्लाई करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।